In the last period, we did refraction through a prism. So I have taken a box here, ठीक है? और इसके अंदर हमने धूप लाइट की है और अभी मैं कुछ दिखा नहीं रही हूँ आपको, अभी बता रही हूँ कि ये जो बॉक्स है इसके अंदर हमने धूप लाइट की है ताकि इसके अंदर जो एयर है वो डेंस हो जाए। डेंस होने से क्या होगा, लाइट का पाथ विजिबल हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं एज सच प्रिज्म के ऊपर लेजर लाइट डालूंगी तो वो हमें स्पॉट दिखेगा बस, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं लाइट रे डालूंगी तो वो उसका पूरा पाथ विजिबल होगा, पूरी की पूरी रे हमें प्रिज्म तक जाती हुई और बाहर आती हुई दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रिज्म रखा हुआ है, ये प्रिज्म पड़ा है बच्चों, आपको दिख रहा होगा ये रहा प्रिज्म, यहाँ पे इसके अंदर एक प्रिज्म है, आपको तो मैं बुला के करवा दूंगी, ठीक है। प्रिज्म रखा हुआ है, एक ग्लास स्लैब रखी हुई है यहाँ पे और एक मिरर स्ट्रिप, मिरर स्ट्रिप रखी हुई है, तो वो तो चलो पहले हो गया, अब प्रिज्म दिखाना है मैंने आपको। तो ये देखो, पहले प्रिज्म के एक फेस पे लाइट डालूंगी मैं, दूसरी साइड से बाहर आएगी, आपको बाद में दिखाती हूँ, पहले ही देख लेते हैं। ये देखो आपको दिख रही है लाइट बेंड हो रही है। अब एक एक करके आ जाओ इधर, आओ एक एक कर दो, ठीक है। ये देखो, ये लाइट रह गई, ये इंसिडेंट है, ये इमरजेंट बेंड हो रही है ना, बिल्कुल तो वैसी जैसे हमने बनाई। यस कम, ये इंसिडेंट रे है, ये देखो इमरजेंट रे दिख रही है ना, वैसे हम देखेंगे तो हमें वो रे बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। इधर आ, ये इधर आओ, इधर आओ, वो देखो इंसिडेंट रे और ये बेंड हो रही है, इमरजेंट रे, आओ ये इंसिडेंट रे, ये इमरजेंट रे दिख रही है अब। हाँ जी नेक्स्ट, जल्दी आओ, आप भी आ जाओ, आप इधर से, ये देखो इंसिडेंट रे, ये इमरजेंट दिख रही है ना बेंड होती हुई, चला मैंने बुलाया उसको, इंसिडेंट रे, ये इमरजेंट रे, इधर आ, इधर ये उसे बेंड हो रही है, यहाँ से नहीं देखना, इधर से देखना है, दिख रही है, चल जा नेक्स्ट। ये इंसिडेंट रे, ये इमरजेंट दिख रही है ना, सेम शेप की, ये देख नहीं रही, देख नहीं रही, देखो इसमें सेम शेप की इमरजेंट रे दिखेगी जैसे हमने बनाई थी डायग्राम में, ये देखो ये इमरजेंट रे, क्या इंसिडेंट इमरजेंट, आ जाओ दो दो करके आ जाओ, विमान पर ऑल्सो, ये देखो ये इमरजेंट रे, इंसिडेंट रे, ये दिख रही है। नेक्स्ट आ जाओ, सक्षम सक्षम आ जाओ, फिर ये इंसिडेंट रे, इमरजेंट, मैं दो दो को बुला रही हूँ, ये इमरजेंट रे, अगर हम धूप नहीं जगाते तो ये दिखती नहीं आपको, ठीक है। अगर हम धूप लाइट नहीं ना करते, आपको इंसिडेंट रे तो दिख जाती पर इमरजेंट रे नहीं दिखनी थी, अब दिख रही है ना, जल्दी आ जाओ, दो दो करके आ जाओ आप, हार देख, ये देखो ये इमरजेंट रे, ये इंसिडेंट, इंसिडेंट रे, इमरजेंट रे, ये देखो ये इंसिडेंट रे, इमरजेंट रे। नेक्स्ट दो आ जाओ, दो आ जाओ, दो जल्दी आप आओ, इंसिडेंट रे, ये इमरजेंट रे, दिख रही, इधर आओ, इंसिडेंट रे और ये देखो ये इमरजेंट,
वो बीच में आएगी ना, वो तो प्रिज्म के बीच में है, वो नहीं दिखेगी। तुम आ चुके हो, ये इंसिडेंट रहे, ये इमरजेंट रहे। हाँ जी, बेंड होती हुई लाइट आपको दिख रही है, जल्दी आओ। धूप, ये देखो इन, ये बेंड होती दिख रही है आपको, ये इमरजेंट रहे है। नेक्स्ट, ये इंसिडेंट रहे, ये इमरजेंट रहे, बेंड हो रही है ना, दिख रही है, नहीं तो ये देखो ये सीधी जा रही है, यहाँ पे ये बेंड है, ये इमरजेंट रे है, ये इंसिडेंट रे, ये ज्यादा नहीं हो गया अब, ये इंसिडेंट रे है, ये देखो ये इमरजेंट रे है, ये तो धूप की जगाई है ना हमने, ताकि वो एयर डेंस हो जाए उसका, नहीं तो हमें सिर्फ इंसिडेंट रे दिखेगी, इमरजेंट रे नहीं दिखेगी, ये हमने डेंस कर दिया। ट्रांसपेरेंट बॉक्स लिया ना ताकि हम लाइट डाल सके, तो ये इमरजेंट रे बेंड होती दिख रही है आपको, अदरवाइज ये सीधी थी, ऐसे बेंड हो गई, तो ये रिफ्लेक्शन नहीं आया ना, आएगा भी नहीं। जाओ, रिफ्लेक्शन ये इमरजेंट रे, ये ठीक है, ये बाहर जो निकल रही है ये इमरजेंट है, अंदर वाली तो रिफ्लेक्टेड है ना, रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट। चलो जाओ, चलिए आफ्टर दिस डिस्पर्शन इज ओवर, नेक्स्ट इज न्यूटन्स रिकॉम्बिनेशन एक्सपेरिमेंट, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूटन्स रिकॉम्बिनेशन एक्सपेरिमेंट, बाय द नेम इट इज क्लियर, क्या है परीक्षित कुछ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक पेन से उठो, चलो एक मिनट, ऑल द टाइम आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, हरी अप, गेट अप, चलो जल्दी, मैंने तो अभी स्टार्ट किया लिखना, आप चलो। व्हेन टू प्रिज्म्स आर केप्ट इन द ऑपोजिट मैनर, वन प्रिज्म विल स्प्लिट द लाइट रेज इनटू सेवन कलर्स, ठीक है, एक प्रिज्म स्प्लिट करेगा, अब मैंने कुछ भी रिपीट नहीं करना है। इफ टू प्रिज्म आर केप्ट इन द ऑपोजिट मैनर, वन प्रिज्म विल स्प्लिट व्हाइट लाइट इनटू सेवन कलर्स एंड अदर प्रिज्म विल रिकम्बाइन बैक इनटू व्हाइट लाइट, दूसरा प्रिज्म उनको वापस कंबाइन कर देगा। This is conducted by Newton and this is called Newton's recombination experiment. He said that when two identical prisms are kept in the opposite manner like this, one prism will split the light white light into seven colors and second prism will recombine back into white light. Second prism will recombine back all the colors into white light. Yes, उधर चलो, ठीक है, तो इस तरह से white light ही पहले पड़ रही थी, finally white light ही आ रही है, एक ने split किया, दूसरे ने दोबारा से combine कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इफ एवर यू हैव सीन लाइट स्कैटरिंग,
कहीं पे कोई एग्जांपल दे सकते हो जहां पे लाइट स्कैटर होती है? कोई आपने देखा हो कहीं पे, आपको लग रहा हो कि लाइट स्कैटर हो रही है? कैन यू गिव एनी एग्जांपल? एनीवन, कहां पे देखते हो? डेंस फॉरेस्ट में क्या? हाँ, उसको इफेक्ट को इन पर्टिकुलर क्या कहते हैं? हाँ, वो टिंडल इफेक्ट है, पर ये हम पहले, उससे पहले की बात कर रहे हैं। वो फर्दर एक स्पेशल केस आ जाता है जिसमें लाइट का पाथ भी विजिबल हो जाता है, ठीक है? बट इन दिस केस, आप चलो इसी पर, बट इन दिस केस व्हाट विल हैपन? इन दिस केस सिंपली वी आर टॉकिंग अबाउट स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या होता है कि जब सनलाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, ठीक है, सनलाइट सन से आ रही होती है, और जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, वहां पे एयर मॉलिक्यूल्स हैं। अर्थ के एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है ना, तो देयर आर सो मेनी एयर मॉलिक्यूल्स ओवर देयर, तो वो क्या करते हैं, वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट मीन्स स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी इन ऑल द डायरेक्शंस बाय एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है? तो इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं, सन से लाइट आ रही है, ठीक है, और ये एयर मॉलिक्यूल उसको स्कैटर कर देगा, रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगा इन ऑल द डायरेक्शंस। ठीक है, दिस इज स्कैटर्ड लाइट। सनलाइट जस्ट आपको समझाने के लिए कि सन से जब लाइट आती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, तो वहां पे जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो उस लाइट को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन ऑल द डायरेक्शन। दिस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इन ऑल द डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो वो लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर कर देते हैं, ये मतलब है एयर मॉलिक्यूल्स। सनलाइट स्पेस से आ रही है, सन से आ रही है, वो जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी, देन व्हाट विल हैपन? इट विल गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द डायरेक्शंस एंड दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इज दैट क्लियर? ठीक है, दक्ष आप गौरव को बुला के लाओ, उसको बोलो ये ले जाओ, आप दे आओ, जाओ नहीं आप ऐसे ही दे आओ, आप दे क्वाइट क्वाइट। ठीक है, सो लाइट गेट्स रीडिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द डायरेक्शन। ये मीनिंग बताया कि स्कैटर्ड लाइट होती क्या है। मेनली वी विल कम टू रेलेज लॉ ऑफ स्कैटरिंग, सन सनलाइट एयर मॉलिक्यूल स्कैटर्ड लाइट, ठीक है? तो लाइट को कौन स्कैटर करता है? एयर मॉलिक्यूल। लिख लो डेफिनेशन, चलो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी इन ऑल द डायरेक्शंस, राइट? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी इन ऑल द डायरेक्शंस बाय एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर, बाय एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर, रेलेज लॉ ऑफ स्कैटरिंग। अब ये क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस, जितनी लाइट स्कैटर हुई उसकी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब उसका अमाउंट, कितनी लाइट जो है वो स्कैटर हुई, That is inversely proportional to fourth power of wavelength of light. वो लाइट की वेवलेंथ के फोर्थ पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये है रेलेज लॉ ऑफ स्कैटरिंग। इसको वर्ड्स में लिख लेते हैं सिंपली, और इसका मीनिंग समझाती हूँ मैं आफ्टर दैट। तो लिखो स्टेटमेंट ऑफ रेलेज। रेले इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। रेले इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। तो लिखो इसकी डेफिनेशन। According to law, short wavelength colors will be scattered the most.
कौन से है शॉर्ट वेवलेंथ कलर्स? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये शॉर्ट वेवलेंथ कलर्स हैं। तो दे आर स्कैटर्ड द मोस्ट, क्योंकि उनकी वेवलेंथ सबसे कम है, उन वो सबसे ज्यादा स्कैटर होते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। दैट्स व्हाई नॉर्मल स्काई अपीयर्स ब्लू इन कलर। इन कलर्स का जो मिक्सचर है वो हमें स्काई ब्लू कलर का नजर आता है, वायलेट, इंडिगो और ब्लू, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्कैटर होते हैं। सो दैट्स व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू इन कलर। ठीक है, सबसे कम कौन सा कलर स्कैटर होता है? रेड। तो इसका मतलब वो कम स्कैटर होता है, वो फैलता कम है, स्प्रेड कम होता है, इसलिए वो लार्ज डिस्टेंस कवर करता है, दूर से हमें विजिबल हो जाता है। सो दैट्स व्हाई डेंजर सिग्नल्स आर रेड इन कलर। यूजुअली आपने देखा होगा जो डेंजर सिग्नल्स है रेड कलर के बनाए जाते हैं ताकि दूर से दिख जाएं। बिकॉज रेड कलर हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, अकॉर्डिंग टू रेलेज लॉ स्कैटरिंग इट इज स्कैटर्ड द लीस्ट, सो इट रीचेस द फारदेस्ट डिस्टेंस, इट बिकम्स विजिबल फ्रॉम अ डिस्टेंस। ठीक है, तो ये देखिए आप एक आइडिया लगा सकते हैं, ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें ये क्या किया गया है, एक तीन लाइट्स ली गई हैं यहाँ पे, एक है ब्लू, फिर ग्रीन, फिर रेड। ये तीन लाइट्स ली गई हैं, सिर्फ सिंपल बल्ब लगाए गए हैं और उसके साथ ग्लू गन स्टिक्स होती है ना, ग्लू गन स्टिक्स को अटैच कर दिया। बॉटल पीछे, ग्लू गन स्टिक्स को यहाँ पे अटैच कर दिया सिंपली। ठीक है, अब क्या हो रहा है देखो आप कि ब्लू कलर में स्कैटरिंग कहां तक जा रही है, ग्रीन में इंटरमीडिएट है, रेड में सबसे कम है। ये इसका ज्यादा पोर्शन ऐसे ही दिख रहा है आपको, वहां तक लाइट नहीं पहुंची है, जो ग्रीन है उसका मिडल पोर्शन और ब्लू का सबसे कम। तो इसका मतलब ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्कैटर हुआ है, रेड कलर सबसे कम स्कैटर हुआ है यहाँ। ठीक है, तो आप भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हो घर पे और इससे आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट का आइडिया हो जाएगा। इज दैट ओके? ठीक है, तो अब याद रहेगा आपको कि रेड कलर स्कैटर्स द लीस्ट एंड ब्लू कलर, वायलेट कलर दे स्कैटर द मोस्ट। तो इसके बेसिस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। लिखो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द स्काई अपीयर ब्लू इन कलर, व्हाई डज द स्काई अपीयर ब्लू इन कलर। तो एक क्वेश्चन में बता देती हूँ हाउ टू राइट दैट, बाकी आप अपने आप लिख लेंगे। तो आप क्या लिखोगे कि वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू कलर आर शॉर्ट वेवलेंथ कलर्स। इन तीनों का मिक्सचर, देखो ये वाला ब्लू थोड़ी है स्काई का कलर, इन तीनों का मिक्सचर ये वाला कलर बनता है। ये जो ब्लू होता है ये डार्क ब्लू होता है, ये स्काई वाला कलर नहीं है, ये इन तीनों का मिक्सचर बनता है। ठीक है, तो लिखिए वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू आर शॉर्ट वेवलेंथ कलर्स, शॉर्ट वेवलेंथ कलर्स, सो दे आर स्कैटर्ड द मोस्ट, सो दे आर यहाँ पे स्कैटर्ड वर्ड यूज करना है, डेविएटेड वर्ड नहीं यूज करना, डेविएशन आपने प्रिज्म में यूज करनी है। यहाँ पे स्कैटरिंग का कॉन्सेप्ट है, मेन प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज द फिजिक्स बिहाइंड स्कैटरिंग। अगर स्कैटर वर्ड यूज नहीं किया आपका मीनिंगफुल नहीं रहेगा आंसर। ठीक है, सो दिस इज दे आर स्कैटर्ड द मोस्ट अकॉर्डिंग टू रेलेज लॉ ऑफ स्कैटरिंग, दे आर स्कैटर्ड द मोस्ट अकॉर्डिंग टू रेलेज लॉ ऑफ स्कैटरिंग। सो दे आर स्कैटर्ड द मोस्ट अकॉर्डिंग टू रेलेज लॉ ऑफ स्कैटरिंग। ठीक है, सो स्काई अपीयर्स टू बी अ मिक्सचर ऑफ दीज कलर्स, सो स्काई अपीयर्स टू बी अ मिक्सचर ऑफ दीज कलर्स। रियान चलो, ब्लू, ब्लू इन कलर, ठीक है, सो स्काई अपीयर्स ब्लू इन कलर। आफ्टर दैट वी हैव डेंजर सिग्नल्स आर रेड, व्हाई? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर डेंजर सिग्नल्स रेड इन कलर, बिकॉज रेड कलर हैज मैक्सिमम वेवलेंथ,
आप बिल्कुल रिवर्स लिख दो इसका, रेड कलर। व्हाई आर डेंजर सिग्नल्स रेड? व्हाई आर डेंजर सिग्नल्स रेड इन कलर? लास्ट टाइम डेंजर सिग्नल्स आर रेड इन कलर क्योंकि रेड कलर इज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इट इज स्कैटर्ड द लीस्ट। ये सबसे कम स्कैटर होता है, सो इट कवर्स मैक्सिमम डिस्टेंस, इट रीचेस आर आईज फ्रॉम अ डिस्टेंस। रेड कलर इज स्कैटर्ड द लीस्ट, सो इट बिकम्स विजिबल फ्रॉम अ लार्ज डिस्टेंस। ये उसी प्लेस पे ज्यादा स्कैटर नहीं होता, इसलिए दूर तक पहुंच जाता है, हमारी आईज तक पहुंच जाता है इजिली। ठीक है, नेक्स्ट कलर क्वेश्चन है, व्हाई आर द क्लाउड्स व्हाइट इन कलर? क्लाउड्स व्हाइट क्यों लगते हैं हमें? क्लाउड्स अपीयर व्हाइट बिकॉज दे लाई इन लो एटमोस्फियर, वो लो एटमोस्फियर में होते हैं, देयर वाटर एंड डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, और वाटर और डस्ट पार्टिकल्स का साइज काफी बिग होता है इन कंपैरिजन टू एयर मॉलिक्यूल्स। तो वाटर और डस्ट पार्टिकल्स क्या करते हैं, बिग साइज के, इसलिए वो ऑलमोस्ट हर कलर को जो है वो स्कैटर कर देते हैं। बीइंग बिगर इन साइज वो लाइट के हर कलर को ऑलमोस्ट इक्वली स्कैटर कर देते हैं, सो द लाइट कमिंग फ्रॉम क्लाउड्स कंसिस्ट ऑफ ऑल द सेवन कलर्स। वो लाइट जब हमारी आईज तक पहुंचती है उसमें सेवन के सेवन कलर्स होते हैं, एंड मिक्सचर ऑफ सेवन कलर्स इज व्हाइट, तो इसलिए हमें क्लाउड्स व्हाइट दिखते हैं। ठीक है, अब लिखो इसका आंसर, समझ आ गया कॉन्सेप्ट? क्लाउड्स लाई इन लो एटमोस्फियर्स, क्लाउड्स लाई इन लो एटमोस्फियर्स वेयर बिग साइज water and dust particles are present, where big sized water and dust particles are present, they scatter because of their big size, they scatter almost all the colors equally, So light coming from clouds contains all the seven colors. Light coming from clouds contains all the seven colors, and mixture of seven colors is white. Light coming from clouds contains all the seven colors. And mixture of seven colors is white. ठीक है, 8th class में अक्षित ने मॉडल बनाया था न्यूटन्स डिस्क का, we have kept it in the lab also, so I'll be showing you next time, because we don't have a cell right now, so that's why, otherwise I could have shown you today, right? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका स्कैटरिंग का, व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई ऑन मून? मून आपको स्पेस जो है वो ब्लैक कलर का बनाते हो ना, क्यों बनाते हो ब्लैक कलर का? क्योंकि वहां पे स्काई का कलर डार्क है, ब्लैक है स्पेस। ठीक है, तो व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई ऑन मून? दैट इज ब्लैक और डार्क, क्योंकि वहां पे एयर ही नहीं है। अगर एयर ही नहीं है तो जो लाइट है वो स्कैटर ही नहीं होती। नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, सो स्काई अपीयर्स डार्क और ब्लैक। ठीक है, तो लिख लीजिए कि मून पे क्या होता है या स्पेस में क्या होता है, नो एयर इज प्रेजेंट, सो नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, दैट्स व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लैक और डार्क। व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई ऑन मून? Black, because there is no air, so no scattering of light takes place. It appears black or dark. Okay, fine. Clear hai? Okay, after that,
और एग्जांपल इसका क्या हो सकता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का आपने देखा प्रैक्टिकल लाइफ में, और कहीं पे स्कैटरिंग आपने ऑब्जर्व की हो? हैव यू नोटिस्ड एवर? हाँ, टॉर्च में वो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी सिंपली, वहां स्कैटरिंग नहीं हो रही है, ये तो एटमोस्फियर में हो रही है, एयर कर रही है स्कैटर लाइट को, है ना। चलिए तो नेक्स्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल है टिंडल इफेक्ट। हाँ जी, नेक्स्ट है टिंडल इफेक्ट। अब ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, बट ये उसका स्पेशल केस है इन विच पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल। हमें वाटर पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल उसमें मूव करते हुए नजर आते हैं। सपोज देयर इज अ क्लोज्ड रूम, उसकी विंडो में से अगर या वेंटिलेटर में से एक लाइट की स्ट्रीक आ रही है, तो उसमें आपको डस्ट पार्टिकल्स मूव करते हुए नजर आते हैं। अगर एक रूम बहुत दिनों से क्लोज्ड है, स्टोर रूम है सपोज, आप उसमें अगर एंटर करो, डोर खोलो, तो आपको डस्ट ऐसे ऐसे मूव करती ज़िगज़ैग नजर आती है, दैट इज टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो वो भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट है बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन द एयर। डस्ट पार्टिकल्स आर कोलॉइडल पार्टिकल्स, तो वो बिग साइज के पार्टिकल्स हैं, तो वो जब लाइट को स्कैटर करते हैं तो पाथ ऑफ लाइट विजिबल हो जाता है उसमें। दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। अनदर एग्जांपल दैट ही वाज सेइंग, फॉरेस्ट में जो कैनोपी ऑफ ट्रीज है, कैनोपी ऑफ ट्रीज जो है उसमें से भी ऐसे ही जब लाइट एंटर करती है तो डस्ट पार्टिकल्स मूव करते नजर आएंगे, पाथ ऑफ लाइट विजिबल हो जाएगा, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ठीक है, चलो लिखो डेफिनेशन टिंडल इफेक्ट की, लिखो। इट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय, इट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन द एयर। डस्ट पार्टिकल्स भी लिख सकते हो अगर आपको कोलॉइडल का नहीं पता तो, बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन द एयर, सस्पेंडेड इन द एयर, ड्यू टू विच पाथ ऑफ लाइट, इट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन द एयर, ड्यू टू विच path of light becomes visible, due to which the path of light becomes visible, due to which the path of light becomes visible. Example likh lo yahi wala, light entering a closed room through a hole, we see the dust particles moving, dancing, moving randomly. Theek hai, so light entering a closed room through a hole, we can see the dust particles moving randomly through a hole, या through a window, कुछ भी कह सकते हो, या through any streak of light coming out, ठीक है, so we can see the dust particles moving there. Another, light entering a canopy of trees, light entering through a canopy of trees, canopy, canopy, light entering through a canopy of trees, उसमें भी सेम चीज दिखेगी हमें, दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो बस आपका ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड का इतना ही आपका पार्ट था, तो अब एक्सरसाइज करेंगे हम, नेक्स्ट टाइम एक्सरसाइज करेंगे हम, ठीक है।